हाल ही में आईएमडी ने अगले 3 दिनों के लिए येलो अलर्ट लागू करते हुए दिल्ली एनसीआर में और अधिक बारिश की संभावना जताई है। इसके अलावा विभाग ने राजधानी में आमतौर पर बादल छाए रहने और हल्की बारिश के साथ बौछार पड़ने की संभावना भी जताई है। वहीं तापमान की बात करें तो यहां अगले 3 दिनों तक अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। आइए जानते हैं दिल्ली में किन इलाकों में बारिश से हाल बेहाल हुआ है। भारी बारिश के कारण दिल्ली में पहले से ही यातायात में काफी व्यवधान आ रहा है। दिल्ली के ढांसा स्टैंड और बहादुरगढ़ स्टैंड के पास नजफगढ़ फिरनी रोड सहित कई इलाकों में जल भराव की सूचना मिली है, जिससे यातायात में भारी रुकावट आ रही है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों से इन हिस्सों से बचने और वैकल्पिक मार्गों पर विचार करने का आग्रह किया है। वहीं छावला स्टैंड के पास और सफदरजंग अस्पताल के पास रिंग रोड पर मोती बाग की ओर जाने वाली क्लस्टर बसों के खराब होने से यातायात में अतिरिक्त देरी हुई है। रोहतक रोड पर जल भराव और नांगलोई से टिकरी बॉर्डर तक गड्ढे भी धीमी गति से चलने वाले यातायात में योगदान दे रहे हैं। यात्रियों को इसी तरह की समस्याओं के कारण मुंडका और नजफगढ़ नांगलोई रोड से बचने की सलाह दी जाती है। आईएमडी ने केरल, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तराखंड के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है, जिसमें दिन में भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। मौसम एजेंसी ने पूरे सप्ताह पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में व्यापक वर्षा और उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में छिटपुट वर्षा का अनुमान लगाया है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में 18 अगस्त तक और हरियाणा में 16 अगस्त तक भारी बारिश की उम्मीद है। आईएमडी ने पूर्वोत्तर और दक्षिण प्रायद्वीपीय क्षेत्रों सहित भारत के अन्य हिस्सों में भी महत्वपूर्ण वर्षा की भविष्यवाणी की है।